हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं सुबह सुबह बना रही हूँ कटहल। तो मॉर्निंग में उठती सबसे पहले ड्यूटी होती है किचन में, तो बस वही करने आई हूँ। तो अभी मैंने मसाला पीस लिया है कटहल के लिए। मैंने मसाले में लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च सब इनको पीस लिया, टमाटर भी पीस लिए हैं। अब मैं इसमें जीरा और हींग डाली है और कटहल को मैंने अच्छे से, ये कटा हुआ तो खैर हमारे यहाँ मिलता है, उसके जो अच्छे से बीज बीज होते हैं उन्हें सबको निकाल के अच्छे से उनकी जो अच्छे से साफ़ करके वॉश करके तब मैं इसको रखा है। और ये मसाला मैंने पीसा था और फिर मैं इसको मसाले को भून लेती हूँ। तो ये मैंने सारा पेस्ट पहले ही पीस के रख लिया था, तो क्योंकि मैं अगर रात में पीस के रख लेती हूँ तो सुबह को बनाने में इजी होता है। सुबह मॉर्निंग में जल्दी जाना होता है हस्बैंड को ऑफिस, तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता। तो बस फटाफट से फिर ये कि किचन में आके अपना सब्जी रेडी हो जाती है जल्दी से। कटहल में टाइम लगता है तो इसलिए मैं मसाला पीस कर इसलिए पहले ही रखती हूँ, सब तैयारी करके सब्जी वब्जी कट करके सब पहले ही रखती हूँ इसीलिए। और मसाला के साथ साथ मैं डाल दे रही हूँ इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया और कश्मीरी मिर्च। नमक मैं बाद में ऐड करती हूँ। तो ये मैं मसाले इसमें डाल चुकी हूँ और इसको हम भूनेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे मसाला। तो मैंने सब ये डाल लिए हैं और इसको मैं चलाऊंगी जब तक ये मतलब इसका जो पानी हट ना जाए और तेल छोड़ ना दे। तो इसकी जो छींटे पड़ती हैं तो इसीलिए मैं इस पर प्लेट ढक देती हूँ ताकि छींटे इधर उधर ना जाए, वो अंदर अंदर खदकते रहे। और बीच बीच में मैं इसको चलाती रहती हूँ। तो बस ये मैं ढक दिया है और ये हो जाएगा, उसके बाद ये भुन जाएगा। ये भुन गया है थोड़ा, देखो कम हो गया है तो ये भुनने लगा है। तो बस अब ये रेडी होने वाला है। इसके बाद जब ये थोड़ा तेल छोड़ देगा उसके बाद जो कटहल है मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको चला दूंगी। और साथ में मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी क्योंकि फिर वो लग जाएगा। तो मैं इसमें पानी डालती हूँ कटहल के साथ में, जितना मुझे रखना है कि मुझे तरी वाला बनाना है या सूखा बनाना है उसके अकॉर्डिंग मैं पानी डाल लूँगी। आपको जैसा लगे आप ऐसा बना सकते हो। सूखा बनाओगे तो पानी नहीं डालोगे, थोड़ा लिक्विड सा बनाओगे तो पानी डालोगे। तो मैं थोड़ा मिला जुला बनाती हूँ तो इसलिए मैं पानी ऐड करती हूँ थोड़ा सा, और सिम गैस करके फिर मैं कढ़ाई में मैं इसको रख देती हूँ। बहुत कटहल टेस्टी बनता है क्योंकि मैं तल के, एक तो तल के बनता है कटहल, मैंने तल के नहीं बनानी, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ क्योंकि वो बहुत ऑयली और हैवी हो जाता है इसीलिए। तो उसमें फिर उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी, तो इसीलिए मैं तल के नहीं बनाती। दोनों तरह से बन सकते हैं, आप तल के भी बना सकते हो, बिना तले भी बना सकती हो। तो मैं डायरेक्टली बना लेती हूँ, तल के नहीं बनाती हूँ। तो इजीली ये बहुत इजी है और बहुत टेस्टी बनता है कटहल। जो नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए तो ये बेस्ट है, तो बहुत बेस्ट रहता है। तो बस ये कटहल मैंने अब इसमें ऐड कर दिया पानी और ढक के रख दूंगी इसको सिम गैस पे। अब ये होता रहेगा, इसमें टाइम लग जाएगा, आधा घंटा तो लग जाएगा कम से कम। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। ये देखो ये चलाया मैंने बीच में तो इतना पानी सोख गया है। तो बस ये होने वाला है मेरा कटहल, क्योंकि थोड़ा सा मैं लिक्विड सा छोड़ती हूँ क्योंकि बाद में रखने के बाद ना थोड़ा ये ग्रेवी सा हो जाता है, सूख जाता है, तो इसलिए थोड़ा पानी में रख लेती हूँ इसमें। वाह, बाहर का कितना अच्छा मौसम हो रहा है। बहुत गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बस ये जा रहे हैं अभी, और बाहर हो रहा है बहुत अच्छा मौसम, बारिश हो गई, काफ़ी अच्छी बारिश हो गई है, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। और बताइए, दिखाती हूँ आपको, चलो मौसम। कितने अच्छे बादल हो रहे हैं, बारिश शुरू हो गई है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और ये बच्चे आ गए हैं हम स्विमिंग के लिए। तो ये मैंने इसके मामा, मेरे भाई छोटा आया था तो उसके साथ स्विमिंग के लिए भेज दिए थे बच्चे। तो एक कार्तिक है और ये भतीजा, ये दोनों स्विमिंग कर रहे हैं। तो बच्चों को बस मस्ती रहती है, बाकी को मैंने नहीं भेजा था क्योंकि ये लोग दोपहर में गए थे तो मैंने नहीं भेजा था कि फिर अकेले से ये दोनों ही गए थे, क्योंकि बच्चे शैतान होते हैं ना, तो बस थोड़ा सा इसलिए डर लगता है। तो
तो कार्तिक को भेज दिया कि थोड़ा, कार्तिक समझदार है, पाकी भी छोटी है। अब दोनों देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं, स्विमिंग करने गए हैं पर मस्ती पूरी हो रही है इनकी। देखो ये, देखो ये मस्ती पूरी फुल मस्ती में है, ये स्विमिंग करने थोड़ी ना गए हैं, ये मस्ती करने हैं, इन्हें बस एक बहाना चाहिए स्विमिंग का। ये देखो एक दूसरे के साथ इस तरह से कर रहे हैं ये, तो वही ना, ना कोई देखे तो इन्हें ये कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए इनको देखना पड़ता है। वो इसलिए बस एक दिन जाने के बाद मैंने इनको दोबारा भेजा नहीं, क्योंकि इनकी हरकतें देख के कि रहने दो मैं ही चली जाऊंगी बाद में लेके। तो बस दोनों लगे हुए हैं करने के लिए, खेल रहे हैं पानी से। और वही है, भाई ने भी ध्यान नहीं दिया, बस वो वीडियो मैंने कहा रिकॉर्ड कर लेना, तो रिकॉर्ड कर लिया उसने। कार्तिक से बोले कर लो, जरा कर लो, दीदी को रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो वो स्टार्टिंग कर लिया फिर से स्विमिंग करना। हे गाइस, और काफ़ी टाइम बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, जब से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया मुझे। मैंने बस अपनी वीडियो एडिट की थी, उसके बाद में लंच वंच बनाया, लंच खाया, बस उसके बाद मैं सो गई हूँ, अभी उठी बस थोड़ी देर पहले, और बज रहा है 5 और मैं बैठ गई हूँ क्या करने। देखो मैंने क्या खिला रखा है, सब्जी कट करने, करेला, भिंडी और ये चने साफ करने, और ये मैं क्या बना रही हूँ, भिंडी कट कर रही हूँ मैं सुबह के लिए। अब करेले बनाने, अब देखते हैं मुझे भरमा करेले बनाने हैं या कट करके बनाने हैं, कट मतलब काट वाले कौन से बनाने हैं वो मैं डिसाइड अभी लास्ट में करूँगी, जैसे भी बनाती हूँ। अगर कट वाले होंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर भरमा होंगे तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। और चने जो है ये मैं इसलिए बना रही हूँ, मुझे बनानी है नारियल की चटनी, तो मूँगफली की मैं मूँगफली भी डालती हूँ उसमें और चने भी डल जाते हैं, तो उनके छिलके उतारने तो ये रख रखे इसलिए। तो चलिए मैं करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और ये देखो पाकी क्या कर रही है, पाकी ये क्या बना रही है, पाकी क्या ये है, लिविंग रूम। ओहो हो, ये पाकी बना रही है लिविंग रूम। ये देखो सोफा सेट कितना प्यारा बनाया इसने, इधर सोफे छोटे छोटे सोफे इधर है, ओके सामने टीवी, वाओ बड़ा अच्छा लिविंग रूम बनाया आपने तो, बड़े वालों को भी फील कर दिया है। और ये दोनों डैग है, अरे वाह गुड। ये पाखी की डोल्स पड़ी हैं, वो चेंज कर रही है उनके कपड़े, और ये इनकी लाइट्स है बेड पे। ये विंडो, ये मेन गेट। अच्छा चलो, लगी हुई है लड़की कुछ ना कुछ घर बनाने। और मैं ये भिंडी कट कर लूंगी, मैंने वॉश करके रखी हुई थी भिंडी, सूख ये पानी में पूरा सूख चुकी है, तो इनको मैं कट कर लूँगी। और ये मैं चने रखे साइड में, इनको मैं इनके छिलके उतरवा लूँगी। और ये करेला रखे है, इसको मैं अलग से छील दूँगी, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था, तो इसके साथ मैं भरमा करेले की रेसिपी शेयर नहीं की है, तो उसकी वीडियो मैं अलग से बना के डाल दूँगी। तो काफ़ी बड़ी हो रही थी, मैंने डाला था पहले, लेकिन मैंने फिर अलग से बनाया इसका ब्लॉग अलग कर दिया और रेसिपी अलग कर दी है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें नारियल की रेसिपी शेयर की है और कटहल से शेयर किया है। और मैंने अपने लिए बना लिया चाय, और रस के साथ मैं चाय ले रही हूँ, पाकी का दूध कर दिया था मैंने वो पी के, आधा गिलास तो दिखा रही है कि देखो अब मैं भी दूध पी रही हूँ, तो हम इंजॉय कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए चाय पी लीजिए। तो बस मैं अपने नारियल की चटनी के लिए नारियल ले आऊँगी, उसको छील लिया मैंने नारियल को, और इन्होंने छीला, बल्कि मैंने नहीं छीला, वो साबुत नारियल निकला है, देखो वैसे निकलता नहीं है, अदरवाइज टूट जाता है, वो पूरा साबुत निकला है। तो मैं जार में ये नारियल कट कर लूँगी, और इसके साथ में मैं हरी मिर्च ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी और दही ऐड करूँगी, और जो मैंने चने छीले थे वो ऐड करूँगी, अदरवाइज़ मैं मूँगफली की गिरी भुनी होती है वो ऐड करती हूँ छिलके उतार के, वो नहीं थी तो मैं चने से किया, वो भी टेस्टी होती है। और हरी मिर्च और नमक का आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, दही भी और पानी। तो हम इनको मिक्सी में पीस लेंगे, और उसके बाद हम छोंक तैयार करेंगे, तो छोंक में तेल और उसके सरसों के दाने और कड़ी पत्ता और लाल मिर्च साबुत सूखी हुई, मेरे पास हर लाल मिर्च नहीं थी तो मैंने नहीं ऐड की, आप उसको ज़रूर करना। तो उसका छोंक हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से बन जाएगा। उधर मैंने कुकर में दाल चढ़ाई हुई है शाम के डिनर के लिए, और चपाती आटा गूंथ लूँगी और चपाती बना दूंगी, तो इस तरह से मेरा डिनर रेडी हो जाएगा। तो मैंने दाल, सैलेड, चपाती और भरमा करेले और ये चटनी तैयार हो गई है, तो ये मेरा डिनर रेडी हो गया है, तो आप भी इंजॉय करना ये मेरा डिनर। और कैसा लगे नारियल चटनी और कटहल कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर देना, और जो कुछ भी कमी हो तो वो भी ज़रूर बताना, तो ताकि मैं उसको पूरा कर लूँ। तो बस इसी तरह से मेरा डिनर रेडी हो गया है, आप भी खा लीजिए।
और हम खा रहे हैं आइसक्रीम। हेलो बाकी हमारे पार्क में कार्तिक देखो मैं सबको दिखा रही हूँ, रात के साथ 10:30 बज रहे होंगे और यहाँ पे सब रैकेट वगैरह खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। रोज तो हमारा तो आना होता ही नहीं है, बस आज घूमते घूमते आ गए थोड़ा टहलते हुए। चलिए तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर आऊँगी। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेना, शेयर कर लेना। ओके बाय, गुड नाइट।